हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कांगड़ा की हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में 1751 तक हमने देखा था कि कांगड़ा की हिस्ट्री किस प्रकार से चली है, क्योंकि 1620 एडी में कांगड़ा किले को कैप्चर कर दिया गया था, कांगड़ा को ऑलमोस्ट अनेक्स्ट कर दिया गया था बाय द जहांगीर। तो उसके बाद जो कांगड़ा की जो हिस्ट्री है काफी अनसर्टेन है, कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट रूलर थे हमने उनके बारे में देखा। आज जो हम कवर करने वाले हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो एरिया है जो हम आज कवर करेंगे और जो नेक्स्ट एक दो वीडियोज में कवर करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन प्रोन एरिया है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा संभावना है। तो आज जो हम बात करेंगे दैट इज घमंडचंद। तो घमंडचंद को स्टार्ट करने से पहले हम एक सिनेरियो देखेंगे, हम इंडिया का सिनेरियो देखेंगे कि उस टाइम इंडिया में क्या हो रहा था। तो जैसा मैंने यहाँ पे ये मैप बनाया है इंडिया का, तो इंडिया में ये इस प्रकार की स्टेट्स हुआ करती थी। जैसे अगर मैं इस इलाके की बात करूं तो ये बंगाल, जो उड़ीसा बिहार का इलाका है, ये यहां से एक्सीड करता था, ये डायरेक्ट अंग्रेजों के कंट्रोल में आता था। और जो अगर कुल मिला के बात करें तो उस टाइम जो जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम दो मेन इंपॉर्टेंट पावर्स थी। दैट वन इज मराठा। मराठा उस टाइम बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, और दूसरा जो यहां पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इन्वेडर था, अफगानी इन्वेडर, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के अटैक से, या मैं बात करूं अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन से, कांगड़ा का जो रूलर घमंडचंद है उसको काफी फायदा होने वाला है। क्या होता है, जो ये अहमद शाह अब्दाली है ये यहां से इंडिया में अटैक करता है, क्योंकि इन्होंने पहले भी जो अहमद शाह अब्दाली से पहले जो अफगान का जो शासक था दैट वॉज नादिर शाह, नादिर शाह ने भी बहुत बार इंडिया पे अटैक किया था। तो इसलिए इसी इच्छा से जो अहमद शाह अब्दाली ने भी इंडिया पे बहुत ज्यादा अटैक किए थे। तो अहमद शाह अब्दाली के अटैक से जो मुगल थे, जो दिल्ली में जो मुगल थे, वो काफी ज्यादा वीक हो गए थे। वैसे भी जो मुगल एम्परर उस टाइम शाह आलम था वो काफी ज्यादा वीक रूलर था, अनकैपेबल रूलर था, और अहमद शाह अब्दाली के अटैक से वो वैसे भी बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था। तो मुगल एम्पायर बहुत ही क्रम्बल कर रहा था। दूसरा, अगर हम मराठा की बात करें तो मराठा ऑलमोस्ट इस पूरे इलाके पे मराठाओं का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल था। ऑलमोस्ट जो मराठा है राजपूतों से भी टैक्स लेते थे। इवन इस टाइम ये दिल्ली में भी उन्होंने, ये दिल्ली जो मराठा है अप टू दिल्ली तक इन्होंने कवर कर दिया था, दिल्ली तक इन्होंने अटैक कर दिया था। तो जो मराठा का अटैक नॉर्थ से, जो नॉर्थ से अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है और साउथ से मराठा का अटैक होता है, तो इस प्रकार से जो मुगल यहां पे दिल्ली में है काफी ज्यादा वीक हो गए थे, और इसी चीज का फायदा उठाता है घमंडचंद। घमंडचंद इस चीज का फायदा उठाता है और अहमद शाह अब्दाली द्वारा घमंडचंद को निजाम ए जलंधर, निजाम ए जलंधर, या इसको जलंधर का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। घमंडचंद अहमद शाह अब्दाली के साथ एक अलायंस बनाता है और अहमद शाह अब्दाली जो घमंडचंद को निजाम ए जलंधर, जलंधर एरिया का गवर्नर बना देता है, और इस प्रकार से जो घमंडचंद है ये काफी ज्यादा पावर गेन कर लेता है। अगर घमंडचंद की बात करें तो जैसे हमने इसके बारे में पहले भी देखा था कि 1751 में इसने जो गंभीर चंद के 11 अनपॉपुलर जो सन थे उनको इसने मार दिया था, और इसके बाद ये यहाँ पे कांगड़ा की गद्दी पर बैठा था। और इसके टाइम पीरियड में कांगड़ा अगेन बहुत ही ज्यादा जो अपना एरिया है रिकवर करता है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो इसने जो अपने एंसेस्टर का ऑलमोस्ट सारा एरिया उसने रिकवर कर लिया था एक्सेप्ट कांगड़ा फोर्ट, तो इसने रिकवर्ड ऑल एरिया जो इसने नहीं एक्सेप्ट कांगड़ा फोर्ट को छोड़ के
इसने सारा अपने एंसेस्टर का एरिया रिकवर कर लिया था, रिकैप्चर कर दिया था। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि अहमद शाह अब्दाली के द्वारा इसको गवर्नर ऑफ जलंधर का गवर्नर भी बनाया जाता है, और इस प्रकार से ये काफी ज्यादा पावर में आ जाता है नॉर्थ में। इसके साथ साथ ये चंबा का पलाम एरिया, जो एक फर्टाइल लैंड थी, चंबा का पलाम एरिया चंबा के रूलर से ये कैप्चर कर देता है। ये कुल्लू में इन्वेजन कर देता है, कुल्लू में अप टू लेह लद्दाख तक, लेह लद्दाख तक कैप्चर कर देता है। और माना जाता है कि जो घमंडचंद ने अपनी आर्मी में सबसे पहले अफगानी सैनिक और रोहिलाज को इसने अपनी सेना में रखा था, और कुल्लू एक्सपेडिशन के दौरान जो रोहिलाज और जो अफगान थे उन्होंने बजौरा टेंपल को काफी ज्यादा एक्सटर्नली, जो बजौरा टेंपल, कुल्लू का बजौरा टेंपल, उसको काफी ज्यादा एक्सटर्नली उन्होंने डिस्ट्रॉय, तोड़ फोड़ की थी, क्योंकि क्योंकि जो घमंडचंद ही वो फर्स्ट था जिसने रोहिलाज को और अफगान को अपनी सेना में रखा। और इसके साथ ही इसने जितना कर भी जो कुटलहर है, जो जिसके बारे में हम कांगड़ा ऑफशूट में बात करेंगे, जो नॉर्दर्न कुटलहर है उसको भी इसने कैप्चर कर लिया था, नॉर्दर्न कुटलहर। और जैसा मैंने आपको बता दिया कि इसने जितनी कर जो कांगड़ा, जो पुराना जो एरिया जो कांगड़ा में हुआ करता था, इसने सभी को कांगड़ा में अगेन मिला लिया था, जैसे दतारपुर, सिब्बा और जो भी छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज की जो कांगड़ा से अलग हुई थी, इसने अगेन उसको रिकैप्चर करके कांगड़ा में मिला लिया था। सिर्फ एक चीज इससे बच गई थी, दैट वाज द कांगड़ा फोर्ट। इसके बाद 1758 में जो घमंडचंद को भी हार का सामना करना पड़ गया था 1758 में, ये पंजाब के गवर्नर आदीना बेग खान से इसको हार का सामना करना पड़ गया था। लेकिन इसने काफी ज्यादा डेवलपमेंट की, अगर कांगड़ा की बात करें हम। नाउ टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ घमंडचंद, इसने एरिया को रिकवर करने के साथ साथ काफी ज्यादा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट की। सबसे पहले इसने अपनी कैपिटल को नदौन शिफ्ट की। इसके बाद इसने जो पटियार फोर्ट है उसको इसने रेनोवेट किया। इसके साथ साथ इसने जो सुजानपुर टाउन है उसको एस्टेब्लिश किया, और इसके साथ साथ इसने टीरा सुजानपुर का जो पैलेस था इसको काफी ज्यादा ब्यूटीफाई किया। इसके साथ साथ एक और चीज है जो माना जाता है कि इसने लाहौर में कांगड़ा हवेली, इसने लाहौर में कांगड़ा हवेली का निर्माण भी किया। लेकिन बहुत सी बुक्स में आपको ये पॉइंट्स नहीं मिलेगा। तो आर्किटेक्चर की बात करें, इसने अपनी कैपिटल नदौन शिफ्ट की, इसने सुजानपुर जो टाउन है उसको एस्टेब्लिश किया, पटियार फोर्ट को इसने रेनोवेट किया, और इसके साथ साथ जो टीरा सुजानपुर का जो पैलेस है ये इसने ब्यूटीफाई किया। इसके साथ साथ मैं अगर इसके एरिया की बात करूं तो घमंडचंद ने अपने टाइम पीरियड में 19,000 स्क्वायर माइल एरिया में रूल करा। और अगर इसके रेवेन्यू की बात करें, जो इसका सालाना एनुअल रेवेन्यू था वो अप्रॉक्स 11 लाख रुपीस हुआ करता था। लेकिन 1773 में इसकी डेथ हो जाती है, और 1773 में ये एक जो सिख मिसल का जो शासक था जिसका नाम था जस्सा सिंह रामगढ़िया, एक्चुअली अहमद शाह के अटैक के बाद जो सिख, क्योंकि सिखों को बहुत ज्यादा प्लंडर किया गया था अहमद शाह अब्दाली की सेना के द्वारा, तो इसके बाद इन्होंने जो सिख थे इन्होंने सेल्फ डिफेंस में बहुत सी छोटी छोटी मिसल का निर्माण किया था, और इसी मिसल का एक शासक था जिसका नाम था जस्सा सिंह, ये रामगढ़िया मिसल से बिलोंग करता था, और
जो घमंडचंद है 1773 में इसी रामगढ़िया मिसल के जो रूल का जो शासक था जस्सा सिंह रामगढ़िया, इससे हार जाता है 1770 में। 1770 में ये जस्सा सिंह रामगढ़िया से हार जाता है और लगभग अपनी डेथ तक 1773 में घमंडचंद की डेथ हो जाती है। तो 1773 तक ये जस्सा सिंह रामगढ़िया को टैक्स पे करता है, ट्रिब्यूट पे करता है। इसके बाद जो कांगड़ा की गद्दी पे बैठता है वो होता है तेग चंद, जो घमंडचंद का बेटा होता है। लेकिन जो जस्सा सिंह रामगढ़िया है वो भी अगेन जयसिंह कन्हैया, जो अगेन एक सिख मिजल कन्हैया सिख मिजल का रूलर था, उससे हार जाता है। और इस प्रकार से जो कांगड़ा हिल्स है वो फाइनली 1775 तक जयसिंह कन्हैया, जो कन्हैया मिजल का शासक था, उसके पास चला जाता है। इसके बाद की जो हिस्ट्री है हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो 1775 में जो रूलर बनने वाला है उसका नाम है महाराजा संसार चंद। और महाराजा संसार चंद से ही मैक्सिमम टाइम 70-80% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।